स्पॉटिफाई स्मार्ट चैनल को और घंटे बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारा हाय फ्रेंड नमस्कार सभी का फिर से वेलकम है चैनल में थैंक यू टू ऑल माय फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया लाइक किया एंड कमेंट किया। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड अगर आप भी जियो का सिम कार्ड यूज़ करते हो तो फ्रेंड आपको हमेशा प्रॉब्लम होता रहेगा फ्रेंड नेटवर्क का। तो फ्रेंड आपको नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिलता हो तो फ्रेंड आपको स्पीड नेट स्पीड में भी प्रॉब्लम होती है तो आप भी इंटरनेट भी प्रॉपर वे से यूज़ नहीं कर पाते होगे। तो फ्रेंड मैं आपको बताना हूँ फ्रेंड किस तरह आप अपने नेट स्पीड का बढ़ा सकते हो सर सिंपल कुछ सेटिंग्स है। तो फ्रेंड उसके लिए आपको क्या करना होगा तो फ्रेंड मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो फ्रेंड मेरी वीडियो को एक लाइक भी करिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूं तो फ्रेंड पहले तो मैं आपको बता दूंगा स्पीड टेस्ट करके तो फ्रेंड दिखा देता हूं। तो फ्रेंड स्पीड टेस्ट में देख सकते हो फ्रेंड जो अभी मेरी करंट स्पीड चल रही है जो नेटवर्क की वो क्या चल रही है। तो फ्रेंड उसके बाद भी आप देख सकते हो जब मैं सेटिंग कर लूंगा उसके बाद मैं वो सेटिंग करके स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा। तो फ्रेंड आपको जो डिफरेंस पता चलेगा कि फ्रेंड जो अभी मेरे को डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है तो फ्रेंड आप यहां देख सकते हो समथिंग कुछ 3.18 या 3.09 के लगभग है ओके 3.37 Mbps पर सेकेंड कि मेरे को ये स्पीड मिल रही है। तो फ्रेंड अभी अपलोडिंग स्पीड जो टेस्ट हो रही है तो फ्रेंड आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पे ओके। तो फ्रेंड ये स्पीड टेस्ट होने के बाद मैं आपको एक सेटिंग करके बताऊंगा जो सेटिंग करना होगा तो सेटिंग के बाद में फिर मैं आपको स्पीड बताऊंगा तो फ्रेंड वो स्पीड बहुत बढ़िया आएगी। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो जो अपलोडिंग स्पीड है वो है 3.94 ओके। तो फ्रेंड चलिए हम सेटिंग कर लेते हैं तो उसके लिए आपको आना होगा आपके सेलफोन में फिर आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग के बाद आपको ड्यूअल सिम और नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा। फ्रेंड हर किसी में ड्यूअल सिम और नेटवर्क सेटिंग ऐसा नहीं लिखा होता किसी किसी से मोबाइल नेटवर्क सेटिंग लिखा होता तो फ्रेंड आपको मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाना होगा। उसके फ्रेंड आपको आना होगा आपको अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सिम कार्ड है जियो का हमेशा फर्स्ट स्लॉट में होना चाहिए और जो सेकंड स्लॉट में कमी ना रखे अगर सेकंड स्लॉट में रखोगे तो फ्रेंड आपको उतनी अच्छी जियो की स्पीड नहीं मिलेगी ओके। तो फ्रेंड आपको इस तरह इंटरफेस देगा जो मेरा जियो का सिम कार्ड है फर्स्ट स्लॉट में है तो यहाँ मेरा जो नेटवर्क मोड है आपको हमेशा प्रीफर टू 4G 3G एंड 2G रखना है। उसके लिए जो फ्रेंड जो डेटा रोमिंग का होगा उसका ऑप्शन होगा ओके रखना है ओके। तो कैरियर में आपको जियो 4G रखना है और आपको APN में सेटिंग करना है तो फ्रेंड APN में आपको अगर न्यू APN में जाना है न्यू APN में फ्रेंड आपको यहाँ लिखना है जियो 4G ओके। तो फ्रेंड स्क्रीन आपको लिखना है जियो इंटरनेट ओके। आपको ये दो सेटिंग करने जो सेटिंग चेंज करनी है फिर इसके उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड स्क्रीन आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा MCC उसमें 405 है तो फ्रेंड इसको रहने दीजिएगा और उसका सेकंड आपको दिखेगा NC इसको भी ओके रहने दीजिएगा। फ्रेंड अभी आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो फ्रेंड APN प्रोटोकॉल है फ्रेंड APN प्रोटोकॉल बहुत लोगों में होगा ABP 4 ABP 6 तो फ्रेंड आपको दोनों सेलेक्ट करना है ABP 4 एंड ABP 6। उसके नीचे आपको आना होगा रोमिंग APN रोमिंग में तो फ्रेंड आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा ABP 4 ABP 6 दोनों सेलेक्ट करना होगा ओके। तो फ्रेंड आपको APN नीचे डिसेबल एनेबल का ऑप्शन दिखेगा उसको अनेबल रखेगा ओके। तो फ्रेंड आपको ये सेटिंग करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड जैसे आप डन पे क्लिक करोगे तो वो सेटिंग जो है अपने सेव हो जाएगी फिर उस पर आपको क्लिक करके वो सेटिंग को ओके कर देना है ओके। तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं इस पर डन कर दिया हूँ और उस पर मैं ओके कर दूँ जियो की इंटरनेट चलेगी तो फ्रेंड उस नेटवर्क पर चलेगा। तो फ्रेंड अब हम वापस जाते हैं जियो वो इंटरनेट स्पीड टेस्टर पे और टेस्ट कर लेते स्पीड टेस्ट तो वापस अपने स्पीड टेस्ट पे और अभी मैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो जो मेरे को Mbps तो मेरे को स्पीड मिली थी 3.990 की तो फ्रेंड अभी मेरे को स्पीड मिली 19.72 की तो फ्रेंड इतनी स्पीड का मेरे को बेनिफिट हो रहा। तो फ्रेंड इस तरह अपनी जो जियो की स्पीड है बढ़ा सकते हो इजीली ओके। तो फ्रेंड मुझे इतनी स्पीड बढ़ गई फ्रेंड जो मेरी अपलोडिंग स्पीड थी फ्रेंड वो भी 3-4 MBPS थी वो अभी हो गई फ्रेंड 19 MBPS। तो फ्रेंड इस तरह आप ये सेटिंग करके अपने जियो की स्पीड बढ़ा सकते हो ओके। जब आपको थोड़ी छोटी सेटिंग है ना इस सेटिंग से अपनी स्पीड इतनी बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हो तो फ्रेंड आपको कभी नेटवर्क का इशू नहीं होगा आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा जो आगे अपनी जो स्पीड है इंटरनेट की बहुत सुपर फास्ट चलेगी ओके। तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया फ्रेंड लाइक सब्सक्राइब करना बोलो थैंक यू।